Assalamu alaikum. We are going to study the topic, which is actually the pre-eclampsia eclampsia, known as the toxemia of pregnancy. इसमें आपको पता होगा कि pregnancy में actually हमारे पास hypertension हो जाती है, तो उसको जो है हम कहते हैं pre-eclampsia, ठीक है? और अगर वो progress करता है, तो उसको हम eclampsia कहते हैं. So it is not a normal hypertension. It is actually the pregnancy-induced hypertension, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं प्रीक्लैम्प्सिया या एक्लैम्प्सिया. अब हम सबसे पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि इसमें एक्चुअली होता क्या है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन और फिर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे होते हैं. अब नॉर्मली जब आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब हमारी प्लेसेंटा की डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो किस तरह से हो रही होती है. हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट बनते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं और सेंस्टियोट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ठीक है? ये एक्चुअली हमारे पास जो होते हैं ना, देखिए अगर तो प्रेगनेंसी नहीं होती तो नॉर्मली हमारी इस तरह से होती है कि स्पायरल आर्टरी इस तरह से होती है, ठीक है? लेकिन जब नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही होती है तो हमारे जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स होते हैं वो हमारी स्पायरल आर्टरी को इन्वेड कर रहे होते हैं, ठीक है? पहले देखें आर्टरी इस तरह की है, अब यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट जा रहे हैं हमारी जो है स्पायरल आर्टरी को इन्वेड कर रहे हैं, ठीक है? ताकि वो जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को सप्लाई जानी है वो चली जाए, ठीक है? वो ऑक्सीजन सारा कुछ जो है ना इस वजह से मैकेनिज्म हो रहा होता है, इन्वेडिंग एक्स्ट्राविलस साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट. तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है ताकि अच्छी सी ब्लड सप्लाई जो है वो बिटवीन द मदर एंड द बेबी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए. लेकिन एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, देखिए इसमें एक चीज़ आपने नोट की होगी इस वाली में, ये जो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही है कि स्पायरल आर्टरी का पहले ल्यूमेन देखें कितना मतलब पतला सारा है ना. तो प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है कि इसका ल्यूमेन जो है वो वाइड नहीं आपको नज़र आ रहा, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ पे वेजोडाइलेशन हुई हुई है और ये ट्रोफोब्लास्ट की इन्वेजन की वजह से वेजोडाइलेशन हो रही है ताकि वो ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपरली आर्टरी के थ्रू जाए, ठीक है? तो ये वेजोडाइलेशन वाला मैकेनिज्म क्यों होता है, ताकि जब हमारे साइटोट्रोफोब्लास्ट जो इन्वेड कर रहे होते हैं हमारे स्पायरल आर्टरीज़ को, ठीक है? लेकिन एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, जैसे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, दिस इज़ द एबनॉर्मल प्रेगनेंसी. इसमें देखें हमारे ट्रोफोब्लास्ट जो हैं वो इन्वेड ही नहीं कर रहे हमारी स्पायरल आर्टरी को, ये हमारी स्पायरल आर्टरी उसी तरह रह गई है. जब वो एबनॉर्मली इन्वेड करते हैं ना हमारी स्पायरल आर्टरी को, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी स्पायरल आर्टरी का ल्यूमेन पतला सा हो जाता है. ये आपको पतला नज़र आ रहा है, जैसे पहले ल्यूमेन था उससे भी पतला नज़र आ रहा है, ठीक है? उससे भी जो है उसकी जो है वो पतला सा ल्यूमेन हो गया. अब आप खुद सोचें कि अगर हमारी स्पायरल आर्टरी को ये ट्रोफोब्लास्ट इन्वेड नहीं करेंगे और ये नॉर्मल जो हमारी प्लेसेंटल सर्कुलेशन है ये इस्टेब्लिश नहीं होगी तो क्या होगा, फीटस को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा. फीटस को जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो क्या हो सकता है, एक तो हमारी फीटस की डेथ हो सकती है, ठीक है? जो जो है उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक हो गया? तो ये नॉर्मल प्रोसेस होना होता है. स्पायरल आर्टरी की रीमॉडलिंग इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस और प्लेसेंटल डेवलपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है. किसका? ट्रोफोब्लास्ट का. इनकी इन्वेजन से हमारी स्पायरल आर्टरी जो है वो वेजोडाइलेशन होती है उसकी और नॉर्मल जो है वो ब्लड सप्लाई इस्टेब्लिश होता है. अब होगा क्या हमारे पास, ये आपकी पैथोजेनिक के बहुत से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, हर फीमेल के अंदर नहीं होना शुरू हो जाता ये, ठीक है? आप बुक में देखेंगे कि लिखा होता है 5 to 10 प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं और मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं ना 35 ईयर्स ऑफ एज की और जिनकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है 35 ईयर्स में लेट मैरिज की वजह से या लेट जो है प्रेगनेंसी हो उसकी, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी इन द 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 35 ईयर्स ओल्ड हमारे पास 10 to 15% केसेस में क्या होता है या 5 to 10% में क्या केस 5 to 10% केस लिखा हुआ है कि 5 to 10% प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं इस एज में कि उनमें क्या होता है अलॉन्ग विद दीज फैक्टर्स, ठीक है? एक तो एज हो गई 35 ईयर्स में फर्स्ट प्रेगनेंसी हो रही है, ठीक है? तो दूसरा हमारे पास है कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी हैं कि उसकी जीन्स के अंदर भी ऐसा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी डिपेंड करता है कि वो स्मोकिंग वगैरह कर रही हो या अल्कोहल वगैरह ले रही हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए. उसकी डाइट पे डिपेंड करता है, उसकी जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, उसकी इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसकी ओबेसिटी पे डिपेंड करता है. फिर ही जाके ऐसा होगा कि हमारी जो है ना एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन हो जाएगी. एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन मैंने आपको बता दी कि क्या होती है, कि एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्टिक इम्प्लांटेशन होती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी रीमॉडलिंग जो प्रॉपर होनी होती है स्पायरल आर्टरीज की वो नहीं होती और उसकी वजह से क्या होता है स्पायरल आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है वो पतला सा हो जाता है. जब ल्यूमेन जो है पतला सा हो जाएगा, उसका डायमीटर छोटा हो जाएगा, तो उसमें जो हमारे पास जो है क्या होगा कि हमारी जो प्लेसेंटा होगी उसको ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, ठीक है? ब्लड सप्लाई जो है वो
नहीं जाएगा, जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा हाइपोपरफ्यूजन होगी प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा की स्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और जब प्लेसेंटा का स्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा तो आपको पता है जब भी किसी वेजल की स्कीमिया स्टार्ट होता है ना, तो उसके अंदर से कोई फैक्टर्स वगैरह रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रेमेस्टर में क्या हुआ था कि एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन हुई थी, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि प्लेसेंटा की जो इस्कीमिक वेजल्स हैं वो कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, उनको हम कहते हैं रिलीज़ ऑफ प्लेसेंटल फैक्टर्स। ठीक है, प्लेसेंटल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल आपकी बुक में भी लिखा हुआ है FLT1 आपका जो है एक फैक्टर है जो कि प्लेसेंटा रिलीज़ कर रहा होता है, या इसके अलावा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एंडोग्लाइन फैक्टर होता है वो एक्चुअली होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, बात करने वाली ये है कि आपके जो प्लेसेंटल फैक्टर्स होते हैं ना वो एक्चुअली ऐसे होते हैं कि जो एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स होते हैं ना, एंटी एंजियोजेनिक मींस जिन्होंने हमारी एंजियोजेनिस करवानी रोकनी है, ठीक है, वो हमारे जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स सॉरी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ये हमारे एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे और एंजियोजेनिक फैक्टर्स कम हो जाएंगे। अब खुद सोचें कि हमारी एंजियोजेनिक फैक्टर्स ने क्या करवाना था, एंजियोजेनेसिस करवानी थी। जब भी कहीं ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होता है तो हमारी बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म यही होता है कि वो एंजियोजेनेसिस करवाए, न्यू ब्लड वेसल्स बनाए ताकि वो कोलेटरल सर्कुलेशन जाए और उसको कंपनसेट करे। लेकिन अब क्या होगा, प्लेसेंटल फैक्टर्स रिलीज होना शुरू हो गए हैं, उन्होंने क्या किया है, अब हमारे पास जिसमें एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे और एंजियोजेनिक जो फैक्टर्स होंगे वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जिसमें वो कहते हैं कि एंडोग्लाइन है या SFLT1 है ये ज़्यादा हो जाएंगे, ये प्लेसेंटा रिलीज करना शुरू कर देगा और जो और ये क्या करेंगे, इनहिबिट करना शुरू कर देंगे हमारी एंजियोजेनिक फैक्टर्स को, मींस जिसमें हमारे पास VEGF आ जाता है। तो ये जब इनहिबिट हो जाएंगे तो इसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो है वो भी हमारा इनहिबिट हो जाएगा, और उसकी वजह से जो हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर ने रिलीज करना होता है, ज़्यादा करना होता है वेजोडाइलेशन करवाने के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड का आपको पता है ना वेजोडाइलेशन करवाता है, तो अब ये भी कम हो जाएगा। तो खुद सोचें कि ना हमारी न्यू वेजल्स बन रही होंगी कोलेटरल सप्लाई करने के लिए प्लेसेंटा को, ना उसमें जो है हमारी नाइट्रो ऑक्साइड रिलीज हो रही होगी जिसने वेजोडाइलेशन करवानी होगी। अब खुद सोचें कि उसकी वजह से क्या हमारी वेजल का हाल होगा, एंडोथेलियल डैमेज नहीं स्टार्ट हो जाएगी, एंडोथेलियल डैमेज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी हमारी वेजल। जब भी हमारी कंस्ट्रिक्टेड होती है ना, तो आपको पता है कंस्ट्रिक्टेड वेजल्स एक तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स रिलीज करना शुरू हो जाती हैं, ऊपर से उनका एंडोथेलियल डैमेज स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा कम हो गया है, VEGF कम हो गया है, उन्होंने एंडोथेलियल डैमेज स्टार्ट कर देना। जब एंडोथेलियल डैमेज स्टार्ट हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब देखें अब क्या होगा, उसकी वजह से जो हमारी एंडोथेलिन होगी वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर कम हो जाएगा, ठीक है। अब एंडोथेलिन ज़्यादा हो जाएगी तो आपको पता है एंडोथेलिन हमारी जो है वो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाती है, उसकी वजह से क्या होगा, फर्दर क्या होगा, हमारी पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, वेजोकंस्ट्रिक्शन प्रॉपर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब देखें इधर प्रोटीन यूरिया लिखा हुआ है, मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या होता है इसमें, बल्कि अभी बताती हूँ। देखें जब हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है ना, तो अब हमारी जो है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मदर के अंदर कम हो गई है, उसकी वेजल कंस्ट्रक्ट कर गई हैं, अब उसकी जो किडनी होगी उसको भी ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो वहाँ से प्रोटीन यूरिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि वेजल्स कंस्ट्रक्ट की, किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, तो उसने शुरू कर दिया, उसने जो है वो किडनी को जो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसने GFR कम हो जाएगा ना, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, ठीक है, प्रोटीन आना शुरू हो जाएंगे इसका बेसिक। ये अगर आप इस फिगर में देखें ना, तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रोटीन यूरिया क्यों होता है, कि जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंडोथेलियल की डिसफंक्शन हो जाती है और हाइपरटेंशन हो जाती है, वेजल्स कंस्ट्रक्ट कर जाती हैं, तो हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है ना उसके पोडोसाइट्स में ऐसे डैमेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डैमेज होगा तो हमारी जो यूरिनरी शेडिंग होना शुरू हो जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स ऑफ पोडोसाइट ओरिजिन, ठीक है। मींस इसमें होगा क्या कि एक्चुअली जब ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर की एक तो डैमेज स्टार्ट हो जाएगा ना, तो प्रोटीन्स जो है ना वो लीक होना शुरू हो जाएंगे, तो इस वजह से प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। तो हुआ क्या, हाइपरटेंशन हुई, ठीक है, हाइपरटेंशन की वजह से क्या हुआ, प्रोटीन्स यूरिन में आना शुरू हो गई। अब प्रोटीन्स यूरिन में आना का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी की प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, एल्ब्यूमिन मेजर प्रोटीन, वो जब यूरिन में आएगी तो क्या होगा, एल्ब्यूमिन ने ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना था ना, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो है उसको होल्ड करके रखना था पानी को, ठीक है। तो अब जब वो होल्ड नहीं करेगा
एल्ब्यूमिन ही नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, तो क्या होगा पेशेंट को? एडिमा हो जाएगा ना। तो यही बेसिक चीज़ें हैं, यही बेसिक चीज़ें हैं हाइपरटेंशन की, जो प्रोक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी है, प्री एक्लेम्प्सिया की, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और तीसरी चीज़ एडिमा। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें प्री एक्लेम्प्सिया जो है इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा होगा, प्रोटीन यूरिन में आएंगी और तीसरा हाइपरटेंशन होगी। मैंने इसका ये रीज़न आपको बता दिया, रीज़न बताया कि क्यों होती हैं ये तीनों चीज़ें आपके प्री एक्लेम्प्सिया में। सो हम यहाँ तक पहुँचे थे, इसका सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हुआ, हमारे पास प्रोटीन यूरिया हुआ और फर्दर हाइपरटेंशन होना शुरू होगी। ठीक है, अब देखिए हाइपरटेंशन अब पूरी बॉडी में चल रही है, ठीक है, तो हमारे ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा ब्लड सप्लाई, ब्रेन में नहीं जाएगा तो वेजोस्पैज़म हो जाएगा उसकी वेजल्स का, सेरिब्रल एडिमा स्टार्ट हो जाएगा आप तो, और जब सेरिब्रल एडिमा होगा तो सीजर्स नहीं आना शुरू हो जाएंगे पेशेंट को। तो ये यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ये सारा प्री एक्लेम्प्सिया है, ठीक है, प्री एक्लेम्प्सिया है, लेकिन जब सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं, जब हमारा ब्रेन अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, उस चीज़ को हम एक्लेम्प्सिया कहते हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट आना चाहिए कि प्री एक्लेम्प्सिया इज़ द कंडीशन बिफोर सीजर्स, जब आपका ब्रेन अफेक्ट नहीं हो रहा, और जब हमारे पास ब्रेन भी अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं जिसमें सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द जो आपका एक्लेम्प्सिया होता है। स्टार्ट कहाँ से हुआ? आपका जो है प्लेसेंटा सही नहीं बना, उसके सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, उसकी वजह से उसको ब्लड सप्लाई नहीं किया, प्लेसेंटा ने फैक्टर्स रिलीज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो गई, किडनी इफेक्ट होना शुरू होगी, प्रोटीन यूरिया हो गया, एडिमा हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, और लास्टली प्री एक्लेम्प्सिया के बाद अगर ब्रेन अफेक्ट हो जाता है तो सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं, एंड पेशेंट इज़ हैविंग द ही कैन डाई, ओके, शी कैन डाई, ओके। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली बताया हुआ है कि यहाँ तक आपका जो है प्री एक्लेम्प्सिया है, ठीक है, ये यहाँ तक आपका प्री एक्लेम्प्सिया है जिसमें आपकी हाइपरटेंशन है, प्रोटीन यूरिया, एडिमा है, उसके बाद जब सीजर्स हो के पेशेंट ऐसे फिट्स के साथ नीचे गिर जाएगा तो दिस इज़ द एक्लेम्प्सिया। ठीक हो गया। सो ये आपकी जो है ना सारी पैथोजेनेसिस कंबाइंड है, प्लेसेंटा का डिसफंक्शन हुआ, एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स जो हैं वो कम हो गए, ठीक है, और सॉरी ज़्यादा हो गए, और एंजियोजेनिक फैक्टर्स जो हैं वो कम हो गए, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स रिलीज हुए, मेटरनल सर्कुलेशन में फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो गई क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, उसकी वजह से क्या हुआ, ऐसे फैक्टर्स रिलीज हुए कि वेजो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गई, पेशेंट को हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गया, और जब वो हो गया तो हमारे मेजर जो एंड ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें हमारी किडनी है, हमारा लिवर आता है, ठीक है, ब्रेन आता है और हमारा हार्ट आता है, ये एंड ऑर्गन्स होते हैं जिनकी ब्लड सप्लाई जो है वो एंड होती है, तो इसमें हमारे पास ये इफेक्ट होते हैं, याद रखना है, ठीक है। पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ आएगा? ये सारे सिम्टम्स होते हैं, जब उसका ब्रेन अफेक्ट होता है तो उसको हेडेक होता है हाइपरटेंशन की वजह से, ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं जा रहा, ठीक है, उसका हार्ट अफेक्ट होगा, जब ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट को नहीं जाएगा, ठीक हो गया, ब्लड हाइपरटेंशन की वजह से, और क्या होगा, पेशेंट को एंजाइटी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा वेजो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, और क्या होगा, नोजिया नहीं होगा, उसको नोजिया वॉमिटिंग नहीं होगी, जीआईटी इफेक्ट्स होगी क्योंकि उसमें वेजो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, हार्ट की वजह से देखें हमारा लंग भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर पेशेंट को कफ़ और शॉर्टनेस और ब्रेथ के साथ आ रहा है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि प्री एक्लेम्प्सिया है तो ये इसमें कफ़ कैसे स्टार्ट होगी, तो याद रखना ये हमारी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर। देखें आपकी जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी ऐसी थी, वेजो डायलेशन वाली, यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई और वो सारे इफेक्ट्स आना शुरू हो गए, वेजेफ हमारा कम हो जाता है, ठीक है, और ये FLT1 ज़्यादा हो जाता है और ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगेन हेयर शोइंग यू द नॉर्मल, यहाँ पे हमारे पास वेजो डायलेशन है, स्पायरल आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो चुकी है और जो है वो फीटल ब्लड कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। दिस इज एक्चुअली इन्होंने बताया हुआ कि अगर हम इस तरह सोते हैं ना प्रेगनेंसी के अंदर तो उससे हमारा हाई ब्लड प्रेशर रिस्क भी कम होता है, प्री एक्लेम्प्सिया का पीरियड स्ट्रांग होता है और हमारी बर्थ जो है वो नॉर्मल होती है, ठीक है, तो ऐसे नहीं सोना चाहिए, ये गलत तरीका है सोने का प्रेगनेंसी में। प्री एक्लेम्प्सिया क्या होता है, उसमें मैंने आपको बता दिया, एडिमा होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, थर्ड जो हमारे पास ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी में, और हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया 35 ईयर्स में कॉमन होता है, और अगर ये सीजर्स के साथ आए तो पेशेंट को एक्लेम्प्सिया हुआ होता है, और ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, जो एक्लेम्प्सिया वाली होती है ना ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, ये सारा वो जो मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया ना ये वो सारा लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म वो वाला लिखा हुआ है जो मैंने आपको फिगर से बताया। उसके बाद ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि प्लेसेंटा का इन्फार्क्शन हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, हाइपरकोगुलेबिलिटी हो जाती है। हाइपरकोगुलेबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो गया, और आपको पता है जब भी हमारे एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है तो वहाँ पर क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ प्लेसेंटा में से टिश्यू फैक्टर्स भी रिलीज हो रहे हैं जो हाइपरकोगुलेबिलिटी करवा रहे हैं, और एंड ऑर्गन फेलियर हो जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हेल्प सिंड्रोम, हेल्प मीन्स एज फॉर हमारे हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एंडोथेलियम है ना, इस तरह वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो आरबीसीज डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, हिमोलिसिस हो जाएगी। ई फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, क्यों? क्योंकि हमारे लिवर भी डैमेज हो रहा है ना, और LP आगे से लिखा हुआ है, इसका मतलब लो प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेटलेट्स कंज्यूम होते जा रहे हैं, क्लॉट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है,
और साथ में फिर क्या होता है, DIC हो जाती है पेशेंट को। ये उसकी जो है मॉर्फोलॉजी लिखी हुई है कि इसमें इन्फार्क्ट हमें नज़र आएंगे, उसकी वजह से हेमरेज होना शुरू हो जाएंगे रेट्रोप्लेसेंटल, और मैच्योरेशन जो है वो प्लेसेंटल विलाई की प्रॉपर हमें नहीं नज़र आ रही होगी मॉर्फोलॉजी में, और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, वो आपकी जो वेजल्स होती है ना, आपको पता है वेजल्स के अंदर जब एंटीबॉडी एंटी रिएक्शन हुआ होता है उसमें हमारे पास फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ना मैक्रोफेजेस जमा हुए होते हैं लिपिड लेडन, ठीक है। तो ये वो वाली है। क्लिनिकल फीचर्स मैंने सारे आपको बता दिए हैं कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ये इसका ऐसे क्यों आया हुआ है आपकी बुक में कि जो है ना प्री एक्लेम्प्सिया और एक्लेम्प्सिया से, कि ये जो है आपकी फीमेल है हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और एडिमा के साथ आई हुई है, ये वही तीन चीज़ें हैं। लास्ट ट्रेमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में उसको क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो लिख देना टॉक्सिनिया ऑफ प्रेगनेंसी, प्री एक्लेम्प्सिया, एक्लेम्प्सिया, कन्वर्जन्स आ गया ना तो ये एक्लेम्प्सिया होगा, ठीक है। और ये लेटर स्टेज है। पैथोजेनेसिस क्या है, सारी वो जो कहानी है वो इसमें डाल देनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।